Hello everyone, welcome to the live videos of GS Central on the Facebook page of GS Central. आज के लाइव सेशन में आप सबों का स्वागत है और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. इंडियन पार्लियामेंट है ना, इंडियन पार्लियामेंट का कहने का मतलब ये हो गया कि भारतीय संसद के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और ये अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना. आप लोग जल्दी से इसमें जुड़ जाइए और उसके बाद फिर एक एक करके ये सेशन स्टार्ट करते हैं. जो भी कमेंट्स आपके हैं, जो भी आपको दिक्कत हो रही हो, वो कमेंट करके बताते जाइएगा. कमेंट में देख रहा हूँ, बाद में लास्ट में कमेंट देख करके सबके कमेंट का भी रिप्लाई कर दिया जाएगा. तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद. आपको ये बता दिया जाए, आपको यहाँ बोर्ड पे जितनी बातें लिखी हुई दिख रही हैं, आज के सेशन में इन सभी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं. भारतीय संसद के बारे में कुल 11 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट में. आपको एक बात और जाननी होगी कि भारतीय संसद जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसके लिए दो अलग अलग वीडियोस बनेंगे. आज जो आप सेशन देख रहे हैं ये इसका पहला सेशन है, वॉल्यूम वन है एक तरह से, इंडियन पार्लियामेंट का वॉल्यूम वन. और इस वॉल्यूम वन में हम लोग संसद का स्टार्टिंग के 11 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और वॉल्यूम टू जो है वो जल्द ही आपको फिर दूसरा भी मिल जाएगा और उसमें इसके बचे हुए जो सेक्शंस होंगे उन पर हम बात करेंगे. आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले संसद का परिचय. आखिर संसद मतलब क्या? भारत जब आजाद हुआ तो भारत की आजादी के बाद देश के संविधान सभा में जो सदस्य थे उनमें ये बात चली और ये चर्चा हुई कि भारत में कौन सी पद्धति अपनाई जाए शासन के लिए, शासन की कौन सी पद्धति अपनाई जाए. तो फाइनली हम लोगों ने ब्रिटेन को अपना आइडल मान करके वहां के मॉडल को हमने अपनाया और संसदीय मॉडल, है ना, शासन का संसदीय स्वरूप अपनाया गया भारत में, जिसके तहत देश में एक संसद होती है और संसद के तीन हिस्से होते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे. भारतीय संविधान का भाग 5 ना, पार्ट 5 जो है वह केंद्र सरकार या संघ से संबंधित है. इंग्लिश में कहते हैं यूनियन, हिंदी में संघ सरकार. और उसी पार्ट 5 में संसद का जिक्र किया गया है, संसद का उल्लेख किया गया, इसकी संरचना, इसके सदस्यों के बारे में, इसके कार्य शक्तियों के बारे में, एवरीथिंग पार्ट 5 में डिस्कस किया गया. और संसद से संबंधित जो आर्टिकल्स है भारतीय संविधान में वो है आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के आर्टिकल नंबर 122 तक, मतलब अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 के बीच संसद के बारे में बताया गया. ये तो एक ओवरव्यू हुआ, आप इसको देखते चले, जहां जहां आपको नोट करना हो आप नोट डाउन करते जाए और अगर कुछ फिर भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके हमें बताते जाए. ठीक है, आगे चलते हैं. पॉइंट नंबर 1 जो हमें डिस्कस करना है वो है संसद का परिचय. तो संसद के परिचय के बारे में आपको याद ये रखना है कि संसदीय प्रणाली जो हमने ली है या ब्रिटेन से ली है, और ब्रिटेन में इस प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है. वेस्टमिंस्टर मॉडल मतलब भारत में जो संसदीय प्रणाली है यह वेस्टमिंस्टर मॉडल का ही एक रूप है. इसके अनुसार भाग 5 के अनुच्छेद 79 से 122 के बीच संसद के विषय में बताया गया है. भारतीय संसद जो का गठन आर्टिकल नंबर 79 जो यहां से वो स्टार्टिंग होता है, आर्टिकल नंबर 79 जो है भारतीय संविधान का, वो ये कहता है कि देश में एक संसद होगी जिसके तीन अंग होंगे. कौन कौन? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 लोकसभा और नंबर 3 राज्यसभा. ये कहता है अनुच्छेद नंबर 79, आर्टिकल 79 ये बताता है कि देश की संसद के तीन अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा. राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, यह भी हमें याद रखना जरूरी है. राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. दो हाउसेस जो यहाँ पर हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में बात करते हैं. लोकसभा जो है वह निम्न सदन है, लोअर हाउस है, इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है. राज्यसभा अपर हाउस है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है और यह भारतीय संसद का अपर हाउस है. लोकसभा जो है वह लोअर हाउस है. तो ये संसद के जो अंग हैं उनके बारे में बात हो गई. इसके आगे अगर हम चले तो उसके आगे फिर अब बात है
सरकार की संसदीय पद्धति पर डिस्कस करना है और राष्ट्रपति पद्धति पर डिस्कस करना है हमें। अभी तक हमने दो पॉइंट्स पर डिस्कस किया, संसद का परिचय जिसमें बताया गया आपको कि भारतीय संसद ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से ली गई है जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है, और दूसरी बात हमने संसद के गठन के बारे में अनुच्छेद 79 के विषय में हमने चर्चा की। आर्टिकल 79 कहता है कि देश में एक पार्लियामेंट होगी, है ना, संसद होगी जिसके तीन अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य सभा, और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा, यह भी बताया गया है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पर, और पॉइंट थर्ड जो है वो कहता है सरकार की संसदीय पद्धति और राष्ट्रपति पद्धति के बारे में थोड़ा सा जानना है। क्या जानना है उसको देख लीजिए। सरकार की संसदीय पद्धति का तात्पर्य है कि देश में एक संसद होगी, उसमें दो हाउस होंगे और वो शासन चलाने का, सरकार को चलाने का काम करेगी, या प्रशासन का काम करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की का अगर एग्जांपल लेकर देखा जाए तो भारतीय संसद में दो हाउस है, अपर हाउस, लोअर हाउस, और एक राष्ट्रपति है, है ना। संसद विधायिका है और विधायिका में से ही कार्यपालिका को चुना जाता है, यह संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली का एक अर्थ यह भी है कि यहां पर जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो विधायिका के सदस्य भी होते हैं, या यूं कह लें कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना। राष्ट्रपति कार्यपालिका के चीफ होते हैं और राष्ट्रपति के विधायी अधिकार भी होते हैं। तो यह हुआ सरकार का संसदीय प्रणाली। अब दूसरी बात इसमें है सरकार की राष्ट्रपति पद्धति। राष्ट्रपति पद्धति का सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति एक तरह से सर्वा है या चीफ एग्जीक्यूटिव है, और रियल एग्जीक्यूटिव भी राष्ट्रपति ही है, जबकि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद होती है। अमेरिका में जो दो हाउस हैं, एक का नाम है सीनेट जो अपर हाउस है, और दूसरे का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो वहां का लोअर हाउस है। तो अमेरिका में या राष्ट्रपति पद्धति में विधायिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है, लेजिस्लेचर अलग होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होता है, दोनों सेपरेट बॉडी है। जबकि संसदीय प्रणाली जिसका एग्जाम्पल इंडिया है, इसमें दोनों ओवरलैप करते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो एक डिफरेंस अभी हो गया। तो अभी हम लोगों ने सरकार की संसदीय पद्धति और सरकार की राष्ट्रपति पद्धति के ऊपर चर्चा की, और जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स हमने तीन अलग अलग कंट्रीज के लिए हैं, इंडिया के, ब्रिटेन का और अमेरिका का। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में संसद है, संसद के दो हाउस है, अपर हाउस इज राज्यसभा, लोअर हाउस इज लोकसभा, और एक प्रेसिडेंट है जो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। यहां पर हमने इंडिया में यह भी देखा कि कार्यपालिका और विधायिका जो है एक दूसरे पर निर्भर है, है ना, और राष्ट्रपति जो है वो सेरेमोनियल चीफ है, जबकि रियल जो एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइज करती है, यूज करती है। ब्रिटेन से हमने इस चीज को लिया है, ब्रिटेन में भी संसदीय पद्धति है। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो रियल चीफ है, रियल मतलब रियल एग्जीक्यूटिव चीफ है, और रियल पावर्स को वो एक्सरसाइज करते हैं। अमेरिका में एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर मतलब विधायिका और कार्यपालिका में पावर सेपरेशन की बात की गई है, शक्ति पृथक्करण की बात की गई है, दोनों एक दूसरे को जैसा कि इंडिया में है निर्भर है, ऐसी वहां बात नहीं होती है। इसके आगे फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, दोनों सदनों की संरचना। यहाँ फोर्थ पॉइंट पर डिस्कस करने से पहले आपको एक बात और बता दें कि भारत में जो संसद है उसे संसद ही कहा जाता है, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है, दो हाउसेस के नाम आप जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ब्रिटेन की अगर बात करें तो वहां भी जो संसद है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है, और वहां भी दो हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो अपर हाउस है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहां का लोअर हाउस है। अगर हम अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका में जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है, और वहां भी इसके दो हाउस है, जो अपर हाउस है उसको सीनेट कहा जाता है, और जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा।
अब हम आते हैं दोनों सदनों के संगठन और उनकी संरचना के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं कि लोकसभा की संरचना और राज्यसभा की संरचना के बारे में। सबसे पहले देखिए, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है और राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। इसका जवाब है, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या है 552, 552 है ना, कुल सदस्य संख्या है 552, जिसका ब्रेकअप अगर देखा जाए कि उसका बंटवारा किस प्रकार किया गया है, तो इसका हो जाएगा 530 प्लस 20 और प्लस 2। इसका मतलब है कि 530 सदस्य जो हैं वे राज्यों से निर्वाचित किए गए हैं, 20 सदस्य जो हैं वह केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हैं, और 2 सदस्य जो हैं वह एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। इसके बाद अगर यहीं पर राज्यसभा की संरचना देखी जाए, तो राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या होती है 250। ये आपका राज्यसभा के बारे में है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या होती है 250, और इसका अगर ब्रेकअप देखा जाए तो 238 प्लस 12 इसका ब्रेकअप है। इसका मतलब है कि 238 लोगों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और 12 लोग जो हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एक सेकेंड, बारह लोग राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये लोकसभा की वास्तविक सदस्य संख्या है और ये राज्यसभा की वास्तविक सदस्य संख्या है, परंतु याद ये रखना है कि वर्तमान सदस्य संख्या वास्तविक सदस्य संख्या से अलग है। वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्य हैं इनकी, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वह है 545, और राज्यसभा में वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो है 245, मतलब 245। अब इसका ब्रेकअप अगर आप देखें तो इसका ब्रेकअप इस प्रकार है, 530 प्लस 13 और प्लस 2, 530 प्लस 13 प्लस 2। 530 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन राज्यों से होता है, 13 सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन केंद्र शासित प्रदेशों से होता है, और दो वही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग मनोनीत किए जाते हैं। अगर दूसरी तरफ राज्यसभा का ब्रेकअप देखा जाए वर्तमान सदस्यों की संख्या का, तो ये हो जाता है 229, 229 प्लस 4 प्लस 12। इसका मतलब ये हुआ कि 229 जो सदस्य हैं, 229 सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन राज्यों से हुआ है, 4 सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन केंद्र शासित प्रदेशों से हुआ है, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। अब हमें ये जानना है कि ये 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये कौन लोग होते हैं। इसके लिए जान लीजिए, 5 क्षेत्र इसके लिए जो है वो डिसाइड किए गए हैं। कौन कौन? पहला, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और समाज सेवा। इन 5 क्षेत्रों के रीनोन्ड पर्सनालिटीज, मतलब ख्याति प्राप्त लोग, इनमें इन 5 क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त जो लोग हैं, उन्हीं में से किन्हीं 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो ये हमने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के ऊपर चर्चा की, वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है और वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है और उसका ब्रेकअप क्या है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और उन 12 अनुसूचियों में संविधान की चौथी अनुसूची जो है, फोर्थ शेड्यूल जो है, उस फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में अलग अलग राज्यों को कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, इसके बारे में बताया गया है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, यह संविधान की चौथी अनुसूची में बताया गया है। हमें जानना यह है कि इस आवंटन का आधार क्या है।
तो आपको याद रखना होगा कि राज्यों को राज्यसभा में जो सीटें आवंटित की गई हैं उसका आधार है राज्य की जनसंख्या, अर्थात जनसंख्या के आधार पर राज्यों को राज्यसभा में सीटें आवंटित की गई। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो वहां पर राज्यसभा में तो मैं बता रहा था कि राज्यसभा की सीटों के बारे में, तो राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वह उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम सीटें जो हैं वह सिक्किम में है, एक सीट है, तो जनसंख्या के आधार पर उसको डिसाइड किया गया है। दूसरी तरफ हमें यह भी जानना है कि अगर अमेरिका का उदाहरण देखा जाए तो अमेरिका में जो अपर हाउस है जिसको सीनेट कहा जाता है वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित नहीं की गई हैं, जबकि वहां पर 52 स्टेट्स हैं, 52 राज्य हैं और उन 52 राज्यों को बराबर बराबर सीटें आवंटित की गई हैं राज्यसभा में, वहां पर जो सॉरी राज्यसभा मतलब वहां पर सीनेट में, अमेरिकन सीनेट में कुल 100 सीटें हैं और प्रत्येक राज्य को दो दो सीटें आवंटित की गई हैं, जो भारत से अलग है क्योंकि भारत में जनसंख्या को आधार बना करके सीटें आवंटित की गई हैं, अलग अलग राज्यों के लिए राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या अलग अलग है, इस बात को भी याद रखना है। आगे चलते हैं, केवल 3 संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनको राज्यसभा में सीटें आवंटित की गई हैं, उनमें भी तीसरा जो संघ शासित क्षेत्र है वो अभी जम्मू कश्मीर हो गया है, जम्मू कश्मीर के संघ शासित क्षेत्र बनने के बाद, अगर इससे पहले देखा जाए तो केवल 2 केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश ही ऐसे थे जिनको राज्यसभा में सीटें आवंटित की गई थी और वो थे दिल्ली और पुडुचेरी। ये भी याद रखना है, जम्मू कश्मीर भी अब चूंकि संघ शासित क्षेत्र हो गया है इसलिए अब उनकी संख्या 2 से 3 हो जाएगी जिनको राज्यसभा में सीटें आवंटित की गई। हमें यह भी जानना है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। सीधी सी बात याद रखनी है, लोकसभा जो लोअर हाउस है उसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, मतलब जनता का सदन, और लोकसभा में जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा जो है उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, मतलब राज्यों का सदन है राज्यसभा, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन से तात्पर्य हमारा यह है कि हम जिन लोगों को चुनते हैं अपने विधायकों को राज्य में, वे विधायक फिर वोट दे करके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो हमने दोनों सदनों की जो संरचना है इस पर भी चर्चा की है, थोड़ी सी बात इसमें और भी जानना है कि दोनों सदनों का कार्यकाल कितने कितने दिनों का होता है। यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होती है, भंग नहीं होती है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, परंतु राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल जो है वो डिसाइड होता है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, परंतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है ना, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1951 का, इस अधिनियम के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तय किया गया है और इसे 6 वर्ष के लिए तय किया गया है। तो हमें याद ये रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त भी होते हैं, रिटायर भी होते हैं, 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, है ना, प्रत्येक 2 सालों के बाद एक तिहाई सदस्यों का सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने सदस्य फिर से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आ जाते हैं। ये बात हुई राज्यसभा के बारे में। लोकसभा की जहां तक बात है तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है, प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का अगला इलेक्शन होता है, अगली लोकसभा का निर्वाचन होता है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 वर्ष के भीतर ही सरकार गिर जाए
और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से कम ही हो, ऐसा हुआ भी है कई बार। तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, या उससे पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसी प्रकार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल का होता है, क्योंकि सारे सदस्य एक बार निर्वाचित होकर आते हैं और फिर जब लोकसभा भंग होती है कार्यकाल समाप्ति के बाद, एक साथ सारे सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये बात हो गई लोकसभा के कार्यकाल के बीच में। तो अब तक हमने संसद का परिचय, संसद के गठन से संबंधित बात भी की, और उसके बाद हमने सरकार की संसदीय पद्धति और राष्ट्रपति पद्धति से संबंधित बातें की, उसके बाद हमने दोनों सदनों की संरचना के ऊपर भी बात कर ली है। हमने सदन का कार्यकाल कितना होगा आर्टिकल जो 3 में दिया गया है इस पर भी बात कर ली है, अभी मैंने बताया। इसके बाद हम लोग अभी यहाँ पर परिसीमन आयोग और एक इसके बारे में बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 के बारे में। पॉइंट नंबर 5 पे लिखा गया है परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन, आर्टिकल 82 में इसके बारे में बताया गया है। संविधान कहता है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जब जनगणना होती है, तो जनगणना के आंकड़ों के आने के बाद एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो संसदीय क्षेत्रों और विधानसभा राज्य में विधानसभा क्षेत्रों का के परिसीमन का कार्य करेगा, रीएडजस्टमेंट का कार्य करेगा। परंतु ऐसा हर बार नहीं होता है, हर बार इसलिए नहीं होता है क्योंकि सरकार ने सबसे पहले 1952 में 1952 में परिसीमन आयोग की स्थापना की, उसके बाद 1962 में हुआ, फिर 1972 में हुआ, फिर 2002 में हुआ, और 2002 में परिसीमन आयोग तक का, मतलब 52, 62, 72 और 2002, 4 बार परिसीमन आयोग के का गठन हो चुका है। और वर्तमान स्थिति यह है कि संसद के लिए 1971 की जनगणना और राज्य विधानसभा के लिए 2001 की जनगणना को आधार वर्ष मान लिया गया है, और यह आधार वर्ष 2026 तक के लिए माना गया है। यह आधार वर्ष 1971 संसद के लिए और राज्यों की विधानसभाओं के लिए 2001 की जनगणना को आधार वर्ष मान लिया गया है, और ऐसा भारतीय संविधान के 87वें संशोधन के द्वारा किया गया है, 87th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया है जो 2003 में हुआ। 2003 में संविधान के 87वें संशोधन अधिनियम के द्वारा परिसीमन आयोग के बारे में कह दिया गया कि अब आधार वर्ष संसद के लिए 1971 ही माना जाएगा और राज्यों की विधानसभा के लिए 2001 की जनगणना को माना जाएगा। परंतु संसद की सांसदों की संख्या जो है वो उतनी की उतनी ही रखी गई। कब तक के लिए रख दी गई है? 2026 के वर्ष तक के लिए रख दी गई है। 2026 तक अब इतना ही रहेगा, मतलब 545 ही रहेगा। ठीक, तो ये परिसीमन आयोग के बारे में हो गया। अगला जो पॉइंट है, 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1988 में हुआ है। राजीव गांधी के कार्यकाल में भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन हुआ, और इसके द्वारा मतदान करने की जो आयु है वो पहले 21 वर्ष थी न्यूनतम आयु, उसको कम करके कर दिया गया 18 वर्ष। तो इसको भी याद रखना जरूरी है, मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। तो आपको ये 61वां संविधान संशोधन विधेयक याद रखना जरूरी है। आगे चलते हैं, अब है संसद का कार्यकाल जिसके बारे में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। आगे है संसद सदस्यों की योग्यता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आर्टिकल 84 के अनुसार। देखिए, संसद में निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, संसद के सदस्यों की योग्यता क्या है, तो 2-3 बातें हैं जिनको याद रखना जरूरी है। पहली बात कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर वह लोकसभा के लिए निर्वाचित होना चाहता है तो उसकी उम्र न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, और अगर वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना चाहता है तो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष की होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा संसद के द्वारा बनाए गए अन्य जो योग्यता से संबंधित अधिनियम हैं उनको भी वो फुलफिल करना चाहिए। बट ये 2 चीजें जो है वो बेसिक है कि भारत का नागरिक हो और उम्र की जो सीमा है
लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल, ये होना मैंडेटरी है। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है, इसमें ये कहा गया कि इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा, पहले ये बात थी कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उस कैंडिडेट का जिस क्षेत्र से वह खड़ा हो रहा है वहां के वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है, ऐसी बात शुरू में कही गई थी। सन 2003 में इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए ये बाध्यता कि आप जिस क्षेत्र से इलेक्शन में खड़े होंगे राज्यसभा के इलेक्शन में, वहां पर वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा के लिए अभी भी यह बाध्यता है कि आप जिस क्षेत्र से लोकसभा के उम्मीदवार बन रहे हैं वहां पर आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इसके बाद हमें बात करना है संसद के सत्र के बारे में, जो आर्टिकल नंबर 85 में दिया गया है। संसद के सत्र मतलब सेशंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। आपको जानना चाहिए कि संसद के तीन सत्र होते हैं एक साल में ना, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इंग्लिश में कहें तो बजट सत्र, मॉनसून बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। याद ये रखना है कि इन सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 माह का गैप हो सकता है, 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है, या यूं कह ले कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक का समय का गैप नहीं हो सकता है। संसद के तीन सत्र होते हैं जिनके बारे में अभी मैंने बता दिया, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये सत्र कब कब होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। बजट सत्र जो है यह फरवरी से लेकर के मई तक चलता है। मॉनसून सत्र जो है वह जुलाई से सितंबर के बीच होता है और शीतकालीन सत्र जो है वह नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल नंबर 85 में ये सब बातें दी गई हैं संसद के सत्रों के बारे में, सेशंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। मैंने बता दिया कि संसद के जो सत्र होते हैं उनमें अधिक से अधिक 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगले एक पॉइंट पर हम आते हैं, हमारा अगला पॉइंट है संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने संबंधी राष्ट्रपति के अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 86 है, अनुच्छेद नंबर 86। आर्टिकल 86 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण मतलब स्पीच देने का और उनमें संदेश मैसेज भेजने का अधिकार है। मैसेज मतलब व्हाट्सएप मैसेज नहीं, मैसेज मतलब किसी विधेयक से संबंधित, अभिभाषण से संबंधित है ना, किसी संशोधन से संबंधित या अन्य कोई भी प्रकार का मैसेज राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण कर सकते हैं और संसद से सूचना प्राप्त करने या सूचना देने से संबंधित कोई मैसेज, कोई सूचना भेज सकते हैं। आर्टिकल नंबर 86 कहता है। आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 87 में। 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, स्पेशल विशेष अभिभाषण। यहां पर यह जानना जरूरी है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो लोकसभा के लिए होता है, प्रत्येक आम चुनाव के बाद का पहला सत्र जो है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। यह राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। इसके अलावा प्रति वर्ष, हर वित्त वर्ष प्रति वर्ष के पहले सेशन जो बजट सत्र का होता है उसमें भी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं और यह भी उनका विशेष अभिभाषण कहलाता है। मतलब कहने का ये कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दो मौकों पर होता है। पहला मौका क्या है कि प्रत्येक 5 साल के बाद जब नई लोकसभा चुन करके आती है तो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को संबोधित करते हैं, विशेष अभिभाषण वहां होता है। और दूसरा ये कि प्रतिवर्ष के पहले सत्र जो बजट सत्र होता है, पहले सत्र को राष्ट्रपति दोनों सदनों को
संबोधित करते हैं, ये आर्टिकल नंबर 87 में लिखा गया है। तो अभी तक दोस्तों हमने पढ़ाई ये की कि हमने कुल 11 पॉइंट्स पर चर्चा की है। एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं फटाफट अंदाज में। हमने सदन का परिचय के बारे में बात की और बताया कि भारतीय संसद जो है ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है और वहां के वेस्टमिंस्टर मॉडल को हमने अपनाया है। दूसरा, संसद का गठन जो आर्टिकल नंबर 79 का हिस्सा है, 79 का हिस्सा है, और ये कहता है 79 आर्टिकल नंबर कि भाई संसद के तीन अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जो मैंने बताया आपको। इसके आगे हम लोग आ गए सरकार की संसदीय पद्धति में और राष्ट्रपति पद्धति में। मैंने बताया कि संसदीय पद्धति का उदाहरण भारत और ब्रिटेन हो सकते हैं और राष्ट्रपति पद्धति का उदाहरण अमेरिका जैसा कंट्री हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने बताया। आगे हम लोगों ने चौथा पॉइंट देखा कि दोनों सदनों की संरचना क्या है, और इसमें हमने उनके सदस्यों की संख्या के बारे में जिक्र किया, उनमें मनोनीत सदस्य कितने होते हैं इस पर हमने चर्चा की, संविधान की चौथी अनुसूची जो है जिसमें राज्यों का को राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताया गया है उस पर चर्चा की। हमने ये बताया कि सीटों के आवंटन का आधार राज्य की जनसंख्या है ना। और फिर से हमने उसके इलेक्शन के बारे में बात की कि लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा के लिए जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमने ये भी बात की कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को और राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और उसके 5 जो आधार है कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और समाज सेवा, इस पर भी हमने बात की। इसके बाद हम लोगों ने परिसीमन आयोग के बारे में बात की, जो हर 10 साल में जो जनगणना होती है, जनगणना के बाद के आंकड़ों पर इसकी स्थापना की जाती है, परंतु ऐसा हर बार नहीं होता है। ऐसा 1952, 62, 72 और 2002 में हुआ है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारतीय संसद के लिए 1971 की जनगणना को और राज्यों की विधानसभाओं के लिए 2001 की जनसंख्या को आधार वर्ष बनाया गया है, और यह आधार वर्ष भारतीय संविधान के 87वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ऐसा बनाया गया है। फिर हम लोगों ने सदन के कार्यकाल की बात की कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, परंतु एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने संसद के सदस्यों के योग्यता की बात की, जो आर्टिकल नंबर 84 का हिस्सा है, और इसमें बताया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के लिए उम्र 25 साल और राज्यसभा के लिए उम्र 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। और हमने ये भी बताया यहाँ पर कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये कहा गया था कि लोकसभा का उम्मीदवार और राज्यसभा का उम्मीदवार जिस क्षेत्र से खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, वहां के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, परंतु सन 2003 में राज्यसभा के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी गई। इसके बाद हम लोगों ने संसद के सत्रों का जिक्र किया, जो आर्टिकल नंबर 85 का हिस्सा है। हमने बताया कि संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, और किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हमने तीनों सत्रों के मंथ भी बताए, माह भी बताया आपको। पहला जो है आपका बजट सत्र, वो फरवरी से मई के बीच होता है। दूसरा जो आपका मानसून सत्र है, वो जुलाई से सितंबर के बीच होता है। और तीसरा जो शीतकालीन सत्र है, वो नवंबर, दिसंबर, कभी कभी जनवरी भी पहुंच जाता है में होता है। आपको एक बात और बता दें कि संसद के सत्रों के आह्वान और अवसान, मतलब बुलाने और समाप्त करने, कि इन दोनों का काम राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद के सत्रों का आह्वान करें और उनके समाप्ति की भी अनाउंसमेंट करें, परंतु संसद के सत्रों का आह्वान और अवसान राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं, प्रधानमंत्री जिसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण और उनके संदेश भेजने संबंधी अधिकार के बारे में, जो आर्टिकल 86 का हिस्सा है। और उसके बाद हमने राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में बात की, जो 2 मौकों पर होता है। पहला बताया कि 5 साल के बाद जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो राष्ट्रपति पहले सत्र को संबोधित करते हैं, और दूसरा बताया कि प्रति वर्ष के पहले सत्र, जो बजट सत्र होता है, उसमें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं और सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं। तो आज के सेशन में हमने इन्हीं 11 पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया है।
अगर आपको समझने में कहीं कोई समस्या आई हो, कोई दिक्कत हुआ हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनका जवाब मैं यथासंभव देने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्द इसका संसद का वॉल्यूम 2 दूसरा सेशन भी आएगा आप लोगों के लिए, और उसमें पॉइंट नंबर 11 से आगे की बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।